दोस्तों बिग बॉस ओटीटी लाइव फीड की बात करें तो फुकरा इंसान जो है अब यही बात कह रहे हैं कि बेबिका के हाथ का बना कुछ भी वो नहीं खाने वाले हैं। बहरहाल फुकरा इंसान की बात करें दोस्तों तो फुकरा इंसान अब पूरी तरीके से बेबिका को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर यहाँ पूजा भट्ट जो है उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो आपको बता दे फुकरा इंसान के पास आकर ये बात कहती हुई नजर आती है कि उनसे गलती हो गई। इनफैक्ट वो बाथरूम एरिया में उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगती हैं। कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि उसने ये बात कही है कि वो तुम्हें एक दाना भी खाने के लिए नहीं देने वाली। बहरहाल ऐसा किसी को भी घर के अंदर नहीं करना चाहिए और किसी भी इंसान के लिए नहीं करना चाहिए। जद हदीद को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि कल उसने जो हरकत की थी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए भी इस तरीके की बात कर रही है तो ये मुझे नहीं पता था। तो अभिषेक अगर तुम्हें किसी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। उसी वक्त वहाँ पर मौजूद साइरस भी होते हैं और मनीषा भी होती है। ये सब देखने के बाद फुकरा इंसान कहते हैं कि मैम आप ऐसे मत बोलिए, आपके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ इज्जत है, आप इस तरीके से बोलेंगे तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। वहीं पूजा भट्ट को अपनी गलती का एहसास होता है तो फुकरा इंसान भी उन्हें माफ़ कर देते हैं। बहरहाल आपको बता दे दोस्तों कि पूजा भट्ट और साथ ही साथ यहाँ पर फुकरा इंसान की जो दोस्ती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई है और दोनों एक दूसरे का काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन बेबिका की वजह से पूजा भट्ट के कानों में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ फुकरा के खिलाफ। कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस बारे में। बिग बॉस के और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।